सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हमने पाठ छह को मैटर पढ़ लिया है और उसके कल हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी, कुछ अभ्यास प्रश्न किए थे भाषा ज्ञान से संबंधित और सही उत्तर चुनो। आज हम प्रश्नों के उत्तर लिखने वाला कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर एक है, खुद को मैटर क्या बनना चाहता था? क्या बनना चाहता था? खुद को मैटर विश्व चैंपियन बनना चाहता था। नीलू ने खुद को मैडम को शाबाशी क्यों दी? नीलू ने खुद को शाबाशी इसलिए दी क्योंकि खुद ने नीलू को दौड़ में हरा दिया था, इसलिए इसकी शाबाशी दी। तो ये प्रश्नों के उत्तर जो शब्द अर्थ हमने किए उसी के नीचे आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिएगा, प्रश्न एक उत्तर, प्रश्न दो उत्तर। अब हम लिख लेते हैं प्रश्न नंबर तीन। ठीक है बच्चे, प्रश्न नंबर तीन, अंत में नीलू ने क्या निश्चय किया? अंत में नीलू ने यह निश्चय किया कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में हिस्सा लेगा और सोने का मेडल जीतेगा। तो ये प्रश्न उत्तर बच्चों आप अपनी कॉपी में करिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये जो मैचिंग वाली एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान की, मिलान करो आप कॉपी में, गृह कार्य के तौर पर इसको कर लीजिए, मिलान करो। उदाहरण के अनुसार दिए गए अक्षरों के तीन तीन शब्द बताइए, ये भी मैं आपको दूंगी। अब है बातचीत, पेज नंबर 40 पर ये वाला, इसमें क्या है, इस बातचीत को पढ़िए और आगे बढ़ाइए। तो आप अपने दीदी भैया मम्मी के साथ ये बातचीत करिए। रोहन मेंढक कैसे बोलता है, हम जूम क्लास में भी करेंगे ये बात। मंगू, दो बच्चे हैं रोहन और मंगू, मेंढक कैसे बोलता है? टर टर। तो रोहन कह रहा है मेंढक कहाँ रहता है? मैंने क्या बताया था, मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। एम्फीबियंस बोलते हैं ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, या हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभयचर मीन्स दोनों जगह रह लेते हैं। हम पानी में नहीं रह सकते, वैसे ही मछली जमीन पे नहीं रह सकती, पर मेंढक मगरमच्छ ऐसे होते हैं, केकड़ा है, वो ऐसे प्राणी हैं जो दोनों ही जगह रह सकते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस या उभयचर। तो ये बातचीत हम जूम मीटिंग में भी करेंगे, अपने दीदी भैया के साथ भी आपको करना है और ये आपने कर ही लिया होगा। ये मैंने दिया था आपको चित्र देखकर शब्द संकेत की सहायता से दो वाक्य लिखिए, फुदकू मेंढक का चित्र भी बनाना था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाकर मुझे भेजा है, ये फुदकू मेंढक का चित्र बनाइए और दो वाक्य फुदकू मेंढक के बारे में लिखिए और ये शब्द है, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्टिविटी है।